तो आज की दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए काफी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम आप सभी के सभी सपनों को पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, एक छोटी फैमिली अपनी घरस्थी के लिए एक जबरदस्त कार को चाहती है और हर कोई खाक आज की डेट में एक कार लेना चाहता है, मगर बढ़ते पेट्रोल के दाम तथा फ्यूल के चलते एक आम इंसान कार को तो अफोर्ड कर लेता है, मगर उस कार के पेट्रोल को लेने में वाकई में ही फट जाती है। जी हाँ, आज हम आप सभी को एक ऐसी कार से रूबरू करवा रहे हैं जो कि भारत में काफी पॉपुलर है और कमर्शियली भी और पर्सनली भी काफी ज्यादा यूज में ली जाती है, और फाइनली उस कार के नए अवतार को भारत में लाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप सभी की नंबर वन पे बनने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की आने वाली टॉप कार वैगनार 2022 नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट जनरेशन वैगनार पूर्ण रूप से भारत में काफी चर्चाओं में चल रही थी तथा मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इस कार को काफी बार टेस्टिंग के दौरान इधर से उधर खोदते हुए देखा जा रहा था, मगर फाइनली डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इस कार को हम सभी के लिए भारत में कब लॉन्च किया जाएगा। मगर अब फाइनली इस कार की खबरें निकल के आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन वैगनार में शानदार फीचर्स और इंटीरियर के चलते लाखों दिलों पर राज करने वाली इस कार को हम सभी के लिए 28 फरवरी को फाइनली रिवील किया जाना है। तो आइए जानते हैं कि इस कार में क्या खूबियां हमें देखने को मिलती है जो कि आप सभी के बजट तथा पेट्रोल की बढ़ते दामों को टक्कर देने के लिए इस कार को मार्केट में कौन से इंजन ऑप्शन के साथ लाया गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी इसे नए सनरूफ और नए फीचर्स के साथ भी पेश करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है, यानी आप सभी को वाकई में ही वैगनार के अंदर सनरूफ की सुविधा मिल सकती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वैगनार की ओवरऑल फ्रंट की लुक की बात करी जाए तो पुराने बोरिंग डिजाइन के चलते अब इस कार में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है, जिस कारण आप इस कार को अपने लिए जरूर से खरीदना पसंद करेंगे। तो आप सभी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन वैगनार के फ्रंट में आप सभी को स्लिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के दोनों सेटअप दिखाई देते हैं, जिसके नीचे डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन सेटअप दिखाई देता है। साथ ही साथ ग्रिल सेक्शन को पूर्ण रूप से रैपचिक बनाते हुए चेंज करा है और बीच में बड़ा सुजुकी का लोगो आप सभी को फोम फिनिशिंग के साथ दिखाई देता है। बम्पर की बात करें तो टॉल बॉय बम्पर के साथ इस कार को एक टॉल बॉय फ्रंट लुक मिलता है, जिसके कारण ये एक एग्रेसिव स्लिक बोर्ड द्वारा संचालित की गई कार नजर आती है। जैसे कि भारत में आप सभी को माइक्रो SUV सेगमेंट में स्लिक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अब बात करें इस कार के टायर्स की, तो जी हाँ, नेक्स्ट जनरेशन वैगनार के टायर में भी पूर्ण रूप से साइज की बढ़ोतरी आप सभी को देखने को मिली है, यानी अब टायर 16 इंच के स्टेनलेस स्टील कंपनी के साथ फिटेड एलॉय व्हील के साथ साझा करके लाए जा रहे हैं। यानी अब एलॉय व्हील आप सभी को बाहर दुकानों से लगवाने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी फिटेड एलॉय व्हील आप सभी की जिंदगी बदलने वाले है। साथ ही साथ इस कार में न्यू हैंडल बार क्रोम फिनिशिंग के साथ नए गेट्स ऑप्शन के साथ न्यू कैमरे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो अंदर देख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन वैगनार के आकार को भी थोड़ा सा बड़ा करा गया है और ग्राउंड क्लीयरेंस को जमीन से ऊंचा उठाया गया है, यानी भारत के बड़े बड़े पत्थरों से आप सभी को छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही साथ पत्थरों पे चढ़ने के बाद भी आप सभी को एक कंफर्टली राइड मिलने वाली है। साथ ही साथ कुल मिला के ये कार वाकई में ही काफी जबरदस्त डिजाइन के साथ आ चुकी है। इंजन तथा पावर की तरफ गौर किया जाए तो नेक्स्ट जनरेशन वैगनार में एक बेहतरीन इंजन का इस्तेमाल किया है जो कि आप सभी को वाकई में ही खुश करने वाला है। जी हाँ, कंपनी ने इसमें 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस टर्बो चार पेट्रोल इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, जो कि भारत की सड़कों पर अधिकतम आपको 68 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 109 nm का टॉर्क्शन रीड कर पाने में क्षमता रखता है। इस कार के साथ आप सभी को मैनुअली से अब छुटकारा मिल चुका है, यानी EMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ नेक्स्ट जनरेशन वैगनार आप सभी को मार्केट में दिखाई देगी। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का दावा है कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वैगनार फ्यूल एफिशिएंट के साथ आप सभी के साथ वर्क करने वाली है, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ माइलेज भी आप सभी को 28 के करीबन इस कार में मिलता है। साथ ही साथ आप सभी को एक और जानकारी इस वीडियो में दे दूं कि वैगनार के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को जापान में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। जी हाँ, यानी दोस्तों ये कंपनियां अपनी कारों को भारत में पहले ना लॉन्च करते हुए जापान में पहले ही लॉन्च कर देती है, क्या पता वहां पर इस कार को ज्यादा परफॉर्मेंस और लोकप्रियता मिलती है, मगर मेरे को तो ऐसा लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा वैगनार बेची जाती है। यहां जानकारी जरूरी है कि वैगनार को मौजूदा मॉडल से भारतीय बाजार में पेश किए जाने मॉडल से काफी अलग डिजाइन किया गया है, क्योंकि जापान में बेचे जाने मॉडल के मुकाबले काफी विभिन्न होने वाला है। मौजूदा समय में इंडिया मार्केट में जो मारुति वैगनार बेची जाएगी वो थर्ड जनरेशन मॉडल होगा। साथ ही साथ नए मॉडल को भारत में पेश करने के साथ ही साथ वैगनार में कुछ कलर नए ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगी, यानी बोरिंग कलर ऑप्शन से छुटकारा मिलेगा। अब आप सभी को बेहतरीन डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ वैगनार दिखाई देगी। वैगनार की सबसे खास बात तो ये कि इस कार में अब आप सभी को एक बेहतरीन प्रीमियम इंटीरियर से कंपनी रूबरू करवाने वाली है, यानी
बैठने के बाद आप सभी को एक प्रीमियम फील इस कार में आने वाला है, जैसे कि BMW और ऑडी में बैठने के बाद आप सभी को आता होगा। मैं तो अभी तक नहीं बैठा हूँ, आप बैठे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट करके बताइएगा। तो इंटीरियर की बात कर ले तो इसके डैशबोर्ड को पूर्ण रूप से अपहोल्ड लेदर द्वारा संचालित किया गया है, यानी लेदर की फिनिशिंग के साथ हम नया डैशबोर्ड सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ सेटअप में दिखाई देता है। दोनों साइड आप सभी को ऑटोमेटिक AC वेंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अंदर की वायु की प्यूरिफाई करता है और आपको एक जबरदस्त स्वच्छ वायु प्रदान करता है। कोविड के चलते दोस्तों ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम हर कार में होना आज की डेट में मेरे ख्याल से जरूरी है। साथ ही साथ डैशबोर्ड में आप सभी को बड़ा सा यानी 8 इंच का टच स्क्रीन ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम यानी वॉइस कमांड से आप अपने कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वाकई में ही आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इस कार में आप सभी को वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, बॉसी के 5 साउंड स्पीकर ऑप्शन, जो कि आप सभी की राइड को और भी ज्यादा मजेदार बनाने वाले हैं, यानी फुल साउंड के साथ आप राइड करते हुए इस कार में पूरे मजे ले सकते हैं। बात करें कंफर्ट की तो नेक्स्ट जनरेशन वैगनार की सीटों को अपहोल्ड सीटों से रिप्लेस किया गया है, यानी सीटों को 360 एंगल तक मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, निकाल के फेंका भी जा सकता है, यानी फेंका तो नहीं मतलब निकाल के रख सकते हैं और यूज करने पे आप इसको वापस लगा सकते हैं। कंफर्ट के मामले में इसमें फिन लेदर का इस्तेमाल सीटों में हुआ है, जो कि कटने फटने से कोई भी दिक्कत कार की सीटों में नहीं आने वाली है, चाहे बच्चे इस पर ब्लेड भी मान ले। अब साथ ही साथ इस कार की सीटों में बैठने के बावजूद आपको एकदम इतना आराम आने वाला है कि आप ड्राइविंग करते हुए पूर्ण रूप से अपनी लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। तो होगी कार के इंटीरियर और फीचर्स की बात, अब बात कर ले कार के सेफ्टी फीचर्स की। तो जी हाँ, वाकई में ही वैगनार को एडवांस सेफ्टी फीचर्स के तौर पे डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि हम अपने ग्राहकों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, यानी एक जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स किट ऑप्शन आप सभी को वैगनार में दिखाई देने वाली है। और आज के जमाने में हर कोई ग्राहक अपनी कार में एक प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स को चाहता है। साथ ही साथ हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनी इस नेक्स्ट जनरेशन वैगनार के सांचे को स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट किया गया है, जो कि ऊबड़ खाबड़ ग्रामीण क्षेत्र और ऑफ रोडिंग के चलते आप सभी को कम झटके और एक मजबूती के साथ ऑफ रोडिंग मिलने वाली है, यानी इस कार को ऑफ रोडिंग के लिए भी आप आराम से यूज अप कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के चलते बॉडी कार की लाइट वेट हो जाती है, मगर मजबूती के मामले में आप सभी को एक ज्यादा ठोस बॉडी इस कार में मिलती है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार में फ्रंट में 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल्ड असिस्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को शामिल किया गया है। कार में IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपडेटेड सेफ्टी फीचर्स प्रीमियम तौर पे आप सभी को दिखाई देती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आपकी फैमिली छोटी, अगर आप एक बेहतरीन कार को अपने लिए लेने का प्लान बना रहे हैं, तो वैसे तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की भी भारत में एंट्री होने वाली है, मगर डिसाइड आपको ही करना है कि दोनों कारों में से आप सभी के लिए बेटर विकल्प ऑप्शन कौन सा होने वाला है। वैगनार पसंद है तो वैगनार की तरफ भी जा सकते हैं। मारुति सुजुकी वैगनार थर्ड जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन विकल्प की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी ऑफिशियल मारुति सुजुकी इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करके पूर्ण रूप से कार की जानकारी लेकर आप इस कार को प्री बुकिंग करवा सकते हैं। तो अगर आप लंबी लाइन से बचना चाहते हो और इस कार को सबसे पहले ग्राहक बन के अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक को ठोकते हुए जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।